यात्रीगण कृपया ध्यान दे, सऊदी अरब से इंडिया के लिए इंडियन एम्बेसी ने फिर से एडिशनल फ्लाइट्स की लिस्ट जारी कर दी है ट्विटर में। अगर आपने ट्विटर में नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं डेली शेयर करके, ठीक है। और वो कौन सी फ्लाइट है, कब कब कहां कहां जाएगी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वंदे भारत मिशन के थ्रू ही चलने वाली फ्लाइट है और जो टिकट है आपको डायरेक्ट ऑफिस से जाके लेना है। लोकेशन के साथ साथ वो लोगों ने एडिशनल फ्लाइट की लिस्ट ट्विटर में डाल दी है। तो क्या बोलते हैं आप लोग, चलिए फिर चलते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी फ्लाइट कहां से कहां जाने वाली है। पूरा वीडियो देखना, अगर आपको जाना है तो डायरेक्ट आप ऑफिस से जाकर के टिकट बुक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिस के लोकेशन और दम्माम और रियाद से फ्लाइट से, सिर्फ दम्माम और रियाद से, जिद्दा से फ्लाइट कोई भी नहीं है, दम्माम और रियाद, ठीक है। इनके लोकेशन मैं दे दूंगा एयर इंडिया और इंडिगो के, आप वहां से जाकर के जो है टिकट ले सकते हैं और अपने घर को वापस जा सकते हैं। क्वारंटाइन का जो मसला है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यात्रियों, इन्होंने 13 अगस्त को अपडेट दिया, यानी कि आज 16 अगस्त से इन्होंने फ्लाइट बताया है पूरी टोटल 13 फ्लाइट से। 16 अगस्त से फ्लाइट दम्माम से कोची के लिए है एयर इंडिया, और 17 अगस्त को दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया, 18 तारीख को दम्माम से मुंबई के लिए है एयर इंडिया, और 19 तारीख को दम्माम से कोची के लिए एयर इंडिया, 20 तारीख को दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया, 21 तारीख को दम्माम से कन्नूर के लिए इंडिगो, और 21 तारीख को रियाद से हैदराबाद के लिए इंडिगो, 21 तारीख को रियाद से मुंबई के लिए एयर इंडिया, और 22 तारीख को रियाद से मुंबई एयर इंडिया, 23 तारीख को रियाद से चेन्नई इंडिगो, और 23 तारीख को रियाद से मुंबई एयर इंडिया, और 24 तारीख को दम्माम से चेन्नई इंडिगो। ये 13 फ्लाइट्स इन्होंने दिया है और इसका एड्रेस इन्होंने बताया है। देखो दोस्तों, एयर इंडिया का जो ऑफिस का लोकेशन है, आप डायरेक्ट टिकट ऑफिस से जाकर के ले सकते हैं। एयर इंडिया का टिकट जो है रियाद में कानू टावर, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसको सर्च करके एयर इंडिया का और इंडिगो का आप जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। एयर इंडिया का ऑफिस तकरीबन लोगों को पता है अल खोबर का, और डेनाटा ट्रेवल्स अल खोबर में आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो इसके लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जा करके आप जो है टिकट ले सकते हैं। और एक बात, आप वंदे भारत मिशन का जो फॉर्म है वो फॉर्म को फिलअप करे हुए होना चाहिए, बगैर फॉर्म को फिलअप करे हुए आप लोग नहीं जा सकते। और एक बात, क्वारंटाइन का जो मसला है, ज्यादातर क्वारंटाइन अभी घरों में 14 दिन के लिए दिया जा रहा है। बहुत कम जगह ऐसी है जो कि 7 दिन आपको क्वारंटाइन होटल में रहना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग वहां जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो फॉर्म है ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं आप, जो क्वारंटाइन के लिए फॉर्म होता है अपना सेल्फ का, जो अपने सेल्फ के लिए जो फॉर्म होता है, यानी कि अपने आप के बारे में लिख के देना, आप कौन सी ट्रैवल यानी कौन सी फ्लाइट से आए, कहां से आए, ये सब कुछ अपना डिटेल्स लिखना होता है। ये आप वहां पर भी, आपको जैसे आप एयरपोर्ट में जाएंगे यहां पर, तो आपको दो फॉर्म दे देंगे, तो आप वो फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा जानकारी के लिए ट्विटर पर बने रहिए, जाकर के ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, आपको वहां पर हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई वीडियो में, जब तक के लिए मां सलामा, आपकी यात्रा सफल रहे।